अच्छा सिंगापुर ने अभी इंट्रोड्यूस किया है ऑन द हाई स्कूल लेवल और जो प्राइमरी एजुकेशन होता है उसमें अब आप किसी भी बच्चे को क्वांटिफाइड ग्रेड्स नहीं दे सकते क्वांटिफाइड क्वांटिफाइड ग्रेड्स नहीं दे सकते कमेंट्स नहीं दे सकते फॉर एग्जांपल आप ये नहीं कह सकते ये बच्चा नाइन्टी वन है या ये बच्चा ए स्टार है या ये बिल्कुल बॉय ये जो अभी आपने प्रॉब्लम बताया आपनेम उस वजह से अब क्या देते हैं आप सिर्फ एज एन एन इंस्ट्रक्टर एज इंस्टीट्यूट यू विल पास ऑन कमेंट्स ऑन द स्टूडेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस मतलब एज एज स्टूडेंट वो स्टूडेंट कहाँ पे खड़ा है कोई क्रॉस स्टूडेंट कंपैरिजन नहीं है क्योंकि देखिए ना वहां पे रिसोर्स हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं वहां पर आप अगर सिक्सटी आपने स्कोर किया है उसका हर किस मतलब ये नहीं है कि आपको आगे जॉब नहीं मिलेगी पाकिस्तान में जो बच्चा 61 परसेंट स्कोर मैट्रिक में करता है एफएससी में करता है और इतनी ग्रेड से यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होता है दर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वो बेचारा इन द कंपटीशन ऑफ जॉब तो सफरी करेगा वहाँ पर यह प्रॉब्लम नहीं है तो उन्होंने उस चीज़ को ख़त्म करके क्वालिटेटिव क्वान्टिट्टी से हट के क्वालिटी पे चले गए बच्चे की क्वालिटी बताएँ ठीक है ये आ, खान अकेडमी एक, एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है दुनिया में जो ऑनलाइन एजुकेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को पढ़ाते हैं सलमान खान ये एक्टर नहीं सलमान खान उसके वो, वो को फाउंडर और टीचर हैं सलमान खान का एक कॉन्सेप्ट है कि आप एक बिल्डिंग अगर बना रहे हो तो इमेजिन करें पहला फ्लोर उसका बनाएं और उसमें टेन परसेंट स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है दीवारें थोड़ी टेन परसेंट टेढ़ी हैं फिर आप उसके ऊपर दूसरी बिल्डिंग बनाएं वो फाइव परसेंट टेढ़ी हो फिर तीसरी बिल्डिंग उसके ऊपर फ्लोर बनाएं वो फिर टेन परसेंट खराब हो तो आपको लगता है कि वो दस बिल्ड जब फ्लोर पूरे होंगे तो स्ट्रक्चरली साउंड बिल्डिंग है क्या होगा वो बिल्डिंग को लेप्स करेगी कि नहीं करेगी पिल पिल। करेगी कहता है कि अगर आपका ये दिमाग मानता है तो एजुकेशन में जब आप कहते हो कि नाइन्टी वन परसेंट बच्चे के आए हैं तो आप सेलिब्रेट उसे कर रहे होते हो आप ये नहीं देखते कि उसको नाइन परसेंट की तो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है ना असेंशली असेसमेंट अगर सही हुई तो उसको तो नाइन परसेंट नहीं समझ आ रहा अगले साल वो नाइन एटी फाइव ले लेता ले है आपका तो फिर सुबह अल्लाह ठीक है फिर वो नाइनटी परसेंट लेता है फिर आप कहते हो अमेजिंग यार टॉपर है ये बच्चा अगर तो सेसमेंट फे रही है जमशे ने तो इस तरह नहीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को इस तरह चलना चाहिए कि यार जो बच्चे ने जो पास कर लिया उसको आप चेक कर लो जो फेल हुआ है एज्यूम करते हैं वो फेल हुआ है उन नाइन परसेंट में उस क्वेश्चन में उसकी बेस पे उसका अगला ग्रेड डिफाइन होना चाहिए कि आगे उसको क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है फोकस इस पर होना चाहिए क्योंकि कोर यह अगर नहीं है इसी तरह देखें ना बिल्डिंग में हमें समझ आ रही है दिमाग मान रहा है कि हाँ भाई ऐसी बिल्डिंग में मैं तो घर नहीं ले रहा जिसमें वो बंदा खुद कह रहा है कि सर इसकी बस बेस में टेन परसेंट खराबी है फर्स्ट फ्लोर पर ट्वेंटी परसेंट खराबी है लेकिन बिल्डिंग हमारी ये स्टार है राइट right? तो इसलिए ये जो एजुकेशन की कोर की प्रॉब्लम्स होती हैं ये समझना और नो करना बड़ा ज़रूरी है तो खैर सिंगापुर पे वापस जाते हैं तो उनके एजुकेशन सिस्टम अब इस डायरेक्शन में स्टेयर होने लग गया मूव होने लग गया कि क्वांटिटी से हट के क्वालिटी पे आप बात ले जाएं आप बताएं कि बच्चा कहाँ पर वीक है और उसको किस तरह इम्प्रूव किया जाएगा इट्स एन अमेजिंग टूल अब क्या हम पाकिस्तान में ये कर लें तो सर आंसर इज़ नो नहीं हो सकता है यहाँ पर सर देखें होने को तो कुछ भी हो सकता है वन कांट प्रडिक्ट बट मुझे लग रहा है कि इट्स नॉट पॉसिबल उसकी सिंपल रीज़न ये है कि सर इंजोर एक्सपीरियंसिस माशा आप लाइफ के एक्सपीरियंसिस हैं पाकिस्तान इज नगोशियटेड कंट्री एंड स्टेट यहाँ पर तो हर चीज़ एजुकेशन क्या आप रोड पर फाइट कर रहे हो तो कि मेरी गाड़ी को जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स उस रूट में इंटीग्रेट हुई हैं पॉपुलेशन का साइज देखें उसके ऊपर हाउसिंग देखें मीडियन इनकम देखें कंट्री का जी डी पी देखें टैक्स ब्रैकेट देखें इम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देखें प्रॉब्लम का स्केल इतना बड़ा है इतना बड़ा है कि मैं समझता हूँ कि इस एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो आपने आइडेंटिफाई किया इट्स अ वेरी जेन प्रॉब्लम कि बच्चों को आप इस तरह डीमोटिवेट हो सब कुछ कर रहे हो देर आर टेन एंड हंड्रेड ऑफ अदर प्रॉब्लम्स जो आपको साथ पेर सॉल्व करनी पड़ेंगी क्योंकि अगर आप बच्चे को बेस लेवल पर इतना सॉफ्ट ट्रीट करो कि देखो बेटा आप बुरे नहीं हो आपको सिर्फ ये नहीं आता ये नहीं है वो नहीं है तो वो वो आगे जॉब मार्केट में कैसे अगर जॉब मार्केट ना चेंज हुई तो वो कैसे सर्वाइव करेगा